और ग्रामीण पृष्ठभूमि के अंदर रहता हूँ गाँव के अंदर रहता हूँ हमारे यहाँ जो जुमलों की और मुहावरों की बात है उस मुहावरे में और जुमले में मैंने बात कही उस जुमले में और मुहावरे में अपनी बात को कहने को इतना लंबा उसके ऊपर डिबेट की क्या आवश्यकता पड़ गई आप माफी मांग लीजिए ना ऊपर क्यों नहीं कराते पृष्ठभूमि से आते हैं मैं मान लेता हूं जो जवाब नहीं पता आप अनपढ़ हैं आपको समझ नहीं आ रहा मैं मान लेता हूं आप माफी मांग लीजिए जब दुनिया आपत्ति कर रही है आपकी पुरानी पार्टी समाजवादी पार्टी आपत्ति आप कर सब रही सब है, आपके बड़े नेता आप रणदीप ने, नहीं बन ने राहुल बात का शालीनता के साथ जवाब देने के बजाय जिस प्रकार से सदन में खड़े होकर के जो मुद्दों की बात थी जो राहुल जी ने सवाल उठाए उन सवाल के बारे में देश जानना चाहता था आपने उसके बारे में बात की आप उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थे तो आप सड़क छाप कह देंगे के बारे, में बारे में बात नहीं की आप उनसे उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थे तो आप सड़क छाप कह देंगे आपने देश के प्रधानमंत्री के लिए जो आप शब्द बोले हैं ना ये दिखाता है आपका मैंने गलत बात कही क्या मैं समझ में नहीं आया आप गलत बात है आप जिस तरह के बारे में और आप सोचिए आपका वक्तव्य था कि गुजरात में तो मुसलमान कम हैं हिंदू में ज्यादा है यहां बोटी बोटी कर देंगे तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश में अगर मुसलमान की संख्या ज्यादा होगी तो वो हिंदुओं पे अत्याचार करेंगे आप, ये तो आप सम्मान कर रहे हैं मुसलमानों का भी और लेना चाहिए क्योंकि यहाँ सुचिता की कीमत होती है यहाँ पे असूलों की कीमत होती है जनता के आदमी आपके भरोसे आपके अरे अरे कोई आपके रेमो कर्म पे आपके टुकड़ो पर पड़े नहीं रहने वाले टुकड़े कर देते हैं ना अरे राहुल भाई बा... अरे भाटिया साहब रहने दो तो आपकी आस्था तो दो दिन में चेंज होती है हाँ, आप अच्छा आप, है। आप क्या कर रहे हो आपकी आप 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 मोदी जी भाई? एक मिनट हो रहे